बंद किया है। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। हमारे साथी और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के सबका एमएलए, सबका वजीर अब्दुल मजीद वानी साहब, इसी चनाब वैली से इंदरवाल के एमएलए और सबका वजीर जम सरूरी साहब, चनाब वैली के ही तीसरे कोने से बनहाल जो अपनी ताजा हवाओं के लिए हमेशा मशहूर रहा है, और हमारे काबीना में रहे वजीर विकार रसूल साहब, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट शेख मजीद साहब, हमारे रामबन से एमएलए रहे मेरे वक्त में अशोक कुमार साहब, भद्रवा से एमएलसी नरेश गुप्ता साहब और डीसीसी प्रेसिडेंट बहुत अच्छे तकते हैं, और इसी असर एरिया से हमारे एमएलसी साहब का श्यामलाल भगत साहब, यहाँ मौजूद म्युनिसिपल कमेटी के डोडा म्युनिसिपल कमेटी के सभी मेंबरान, डिस्ट्रिक्ट के और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के खास तौर से डीडीसी के मेंबरान, बीडीसी के चेयरमैन और बीडीसी के सभी मेंबरान, सरपंच साहिबान, नायब सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों, और दूर के सभी गांवों से आए हुए मेरे भाइयों नौजवान साथियों, चंद बहने भी नजर आती हैं दूर। इस ठंड के महीने में मैंने शायद दिसंबर में ये पहली दफा जिंदगी में कोई मीटिंग यहाँ डोडा में की, और कुछ दिनों में नया साल आने वाला, और तकरीबन मेरी सभी मीटिंगें पिछले डेढ़ महीने से, चाहे वो वादी में हुई या चिनाब वैली में हुई या कठवा में हुई, इस ठंड के महीने में हुई। बहुत सारे लोग जब मैंने ये मीटिंगें शुरू की तो दूसरी पार्टियों ने सोचा कि शायद इलेक्शन आ गए हैं, तो वो भी कूद पड़े मैदान, चलो अच्छा हुआ इसी बहाने तो उनका भी चक्कर हो गया। लेकिन असली मेरे आने का मकसद इलेक्शन से नहीं थी, क्योंकि हर दफा जब पार्लियामेंट गर्मियों में खत्म होता था तो मैं रियासत के किसी न किसी इलाके का दौरा करता था, लेकिन 2019 अगस्त के बाद, पहले तो बजट सेशन लंबा चौड़ा चला और उसके बाद बरसात का मौसम चला, और बरसात अपने साथ तूफान ले आया। 5 अगस्त 2020 एक ऐसी अनहोनी बात हुई जो हमने कभी ख्वाब में नहीं देखा, कभी सपना नहीं देखा कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी रियासत 250 साल पहले जो रियासत बनी थी 1846 में, और वो 250 साल पुरानी रियासत
वो इस तरह से टुकड़े किए जाएंगे, दो हिस्से किए जाएंगे और दोनों हिस्सों यूनियन टेरिटरी की शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता 75 वर्षों से जितनी भी स्टेटें बनी हैं यूनियन टेरिटरी को प्रमोट करके रियासतें बनी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में, आजाद हिंदुस्तान की तारीख में यह पहली दफा हुआ कि किसी स्टेट को, और वो भी 125 साल पुरानी स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाया। एक बहुत बड़ा अदमिया, दफा 370 का बहाना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब पिक्चर साफ जाहिर हो रही है। 370 को क्यों खत्म करना था, स्टेट को यूटी क्यों बनाना था, इसको मरकज की तहवील में क्यों लेना था, यहां की जमीन पे कैसे कब्जा करना था, ये साफ आहिस्ता आहिस्ता हर दिन और हर हफ्ते और हर महीने पता चल रहा है। कई बहाने किए गए, बताया गया कि यहां डेवलपमेंट नहीं होती थी बाकी स्टेटों के मुकाबले में, लेकिन मैंने पार्लियामेंट के अंदर इसी सरकार की किताब ली और उसमें मैंने बताया कि हमारे मुल्क के जो कई तामीर और तरक्की के पैमाने हैं, मापदंड है, जिनको मरकजी सरकार मापती है, चाहे तालीम के लिहाज से हो, चाहे सेहत आमा के हिसाब से हो, चाहे पढ़ाई के हिसाब से हो, चाहे छोटे बच्चे एक साल के अंदर मरे उनकी तादाद के हिसाब से हो, 5 साल की उम्र के अंदर बच्चे मरे उनकी तादाद से हो, हमला औरतों के मरने की तामीर हो, ये तादाद हो, तो जो मुल्की पैमाना है उसमें 40 जगह हम मुल्क से ज्यादा अच्छा बेहतर करते हैं। तो हमने बताया सदन में पार्लियामेंट में, तो फिर पूरे मुल्क को यूटी बना दो क्योंकि वो हमसे बहुत कम है, लेकिन जवाब नहीं था सरकार क्योंकि वो बहाना था। और मैंने पार्लियामेंट में एक कहानी सुनी, वहां उनको ज्यादा समझ नहीं आई, मुझे समझाना पड़ा क्योंकि वहां का सिलेबस जो हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से एमपी आते हैं उनका सिलेबस अलग था, लेकिन आपका और हमारा सिलेबस तो मैं भी गांव में आपकी तरह पढ़ा ही की था, मेरे हम उम्र जो हैं और उससे छोटे भी जो हैं 5-10 साल उन्होंने भी पढ़ा होगा, अभी 15-20 साल में तो सिलेबस चेंज हो गए। ये हमारी 6वीं क्लास में अंग्रेजी में एक कहानी थी, Why are you making my water muddy? अभी है कि नहीं? अभी नहीं है? आज के सिलेबस में नहीं, हमारे सुरुड़ी साहब वगैरह के वक्त में था सर, और उसका उर्दू तर्जमा था कि एक भेड़िया था, भेड़िया जंगल में ऊपर से नीचे आ रहा था और नीचे से भेड़ का बच्चा जा रहा था, तो भेड़िए को उस भेड़ के बच्चे पर नजर पड़ी, कहा इसकी मां तो साथ नहीं है, अकेला है, इसको मैं खा जाऊंगा, लेकिन खाने से पहले कोई बहाना करो,
तो उसने, मैं खाली अब उर्दू वाला तर्जमा ही उसमें बताऊंगा टाइम बचने बचाने के लिए, तो भेड़िए ने उस भेड़ के बच्चे से पूछा कि तुम मेरा पानी खराब क्यों करते हो, गदला क्यों करते हो। तो भेड़ के बच्चे ने पूछा कि हुजूर पानी तो ऊपर है, मैं तो नीचे हूं, पानी तो आपके सामने से गुजरकर मेरे सामने आ रहा, तो मैं गदला कैसे करूंगा, गदला तो आप ऊपर से कर रहे हो, मैं कैसे इसको गदला करूंगा, मैं इसको कैसे खराब करूं। तो उसने कहा कि अच्छा पिछले साल तुमने मेरा पानी गदला किया, मेरा पानी खराब किया। उसने कहा हुजूर मैं पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो इसी साल पैदा हुआ, मैं तो 6 महीने का हूं। फिर कहा अच्छा तुम्हारे बाप या दादा ने किया हुआ। तो और लेकर जब कोई बहाने खत्म हुए तो झपट कर उस भेड़ के बच्चे को खा गए। ये मैंने पार्लियामेंट में सुना है कि हमारी आपकी लड़ाई जो भेड़िया और भेड़ के बच्चे की है, आपने इतने बहाने बनाए, आपको जो नजर थी इस पर हमारी जमीन पर, और मैं पार्लियामेंट में बार बार कह चुका था कि आपको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए, लोग नहीं, लेकिन मुझे कश्मीर के लोग चाहिए और जमीन भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात ये जमीन ये आसमान ये सूरज ये चांद सितारे ये खाने पीने की चीजें ये फल फ्रूट ये मेवे ये दरिया ये समंदर ये चश्मे अल्लाह ने सिर्फ ये इंसान के लिए बनाए। इंसान को सबसे बड़ा आदमी बनाया है कि इसी के लिए मैंने जो पूरी कायनात दुनिया है बनाई इंसान के लिए। इसलिए ये पहाड़ जो बने हैं, ये जमीन भी हमारे लिए इंसान के लिए अनाज पैदा करने के लिए बनी है। लेकिन सरकार को, केंद्रीय सरकार को सिर्फ जमीन चाहिए, यहां के लोग भूखे रहें, नंगे रहें, प्यासे रहें, अनपढ़ रहें, जाहिल रहें, उनके कपड़े बदन पे हो या ना हो, उनके बिजली हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं 3 साल से देख रहा हूं, 2.5 साल से, सिर्फ जमीन कहां है उसका हिस्सा रखो, इसका हिस्सा रखो, चाहे वो रोशनी जमीन है वो छीन लो, घास चराई जमीन है वो छीन लो, जंगलात की जमीन है वो छीन लो, खालसा सरकार की जमीन है वो छीन लो, और जरा अपनी जमीन भी है उस पर सड़क बनाओ तो छीन लो, ज्यादा जरा जमीन ज्यादा है तो उसका और कुछ स्कूल के लिए वो छीन लो। ये है कि भिखारी जम्मू कश्मीर के लोगों को बनाना है तब तक नहीं छोड़ना है, ये मकसद। तो ये मकसद, और अभी आधे तो बनेंगे, अब सिर्फ कपड़े रहे, बाकी सब निकल गया, जमीन भी निकल गई, पैसा भी निकल गया, बीज का कारोबार भी निकल गया, अब कपड़े निकालने हैं बाकी, ये और सब कुछ कर दिया 2.5 साल में, और ये भी 1-2 साल में, क्योंकि दूसरे कपड़े लाएंगे नहीं, ये भी अपने आप गांव वालों के ज्यादा निकलेंगे, शायद शहर वालों के बच जाएंगे, तो सुनो अमन दफन वफन मस्त पे उनका जंगल मस्त का, कोई इधर फंसेगा कांटे में, कोई इधर फंसेगा कांटे में, ये हाल है आज। मुझे अफसोस होता कि जितने दावे किए गए, जितने वादे किए गए, उनमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ। इतने सालों में जो स्टेट की हालत बेहतर हो गई, सड़कें बनी थी, स्कूल बने थे, कॉलेज बने थे, अस्पताल बने थे,
मेडिकल कॉलेज बने थे। यहां मैंने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में हिमाचल के लोग आते थे काम करने के लिए, बिहार के लोग आते थे काम करने के लिए, दूसरे सूबों के लोग काम करने के लिए आते थे। डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट का मतलब था न सिर्फ सड़कें बनाना, न सिर्फ बिल्डिंगें बनाना, ये आपका हॉस्पिटल 300 बेड का मैंने ट्रिपल शिफ्ट डबल शिफ्ट में बनाया, ये स्टेडियम, कई सड़कें, ये लाल द्रमन तक 6 महीने में बनी और अभी 8 साल से 1 इंच भी नहीं बनी। लाल द्रमन के लिए बनाई थी, डोडा के शहर वालों के लिए कोई तफरी की जगह नहीं, और मैंने अभी सुना कि उस पर भी आर्मी ने कब्जा कर दिया। चलो खत्म ही, टंटा ही खत्म हो गया। वो इसलिए डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट, अस्पताल जल्दी बने, लोगों को जल्दी उसका फायदा हो, स्कूल कॉलेज जल्दी बने, 3 साल के बजाय 1 साल में बने, हमारे बच्चों को तालीम हासिल हो, सड़क तो जल्दी बने, उसमें लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन उसके साथ एक दूसरा फायदा जिसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, कि मजदूरी हर आदमी को मिलेगी। जिसको पहली शिफ्ट में नहीं मजदूरी मिलती थी उसको दूसरी शिफ्ट में मिलती, जिसको दूसरी में नहीं मिलती थी उसको तीसरी में मिलती थी। यही वजह है कि दूसरी सूबों के लोग यहां 24 घंटे किसी वक्त भी आके काम कर सकते थे, लेकिन आज हमारी रियासत के लोग दक्षिण मड़वा से लेकर पाडर से लेकर उड़ी से लेकर राजौरी पुंछ से लेकर मेंढर से लेकर वो लोग बाकी सूबों में जाते हैं, और उसका अंदाजा मुझे तब लगा जब कोविड की बीमारी ने पूरी दुनिया को घेर लिया, पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से चेयरमैन बनाया गया था उसको रेख देख करने के लिए पूरे मुल्क में कि कहां कोई बीमार है उसको इलाज करने का बंदोबस्त किया जाए, कहीं ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया जाए। तब मालूम हुआ कि तकरीबन 30 स्टेटों और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर के लोग मजदूरी काम करते हैं, तकरीबन 35 में से। नो, ये शर्म की बात है, ताली बजाने, ये रोने की बात है। हमारे स्टेट हमारे वक्त में मजदूरी करने बाहर बंद हो गया था, उससे पहले जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, शिमला जाते थे, पंजाब जाते थे, लेकिन जब हमने यहां काम के दरवाजे खोल दिए, सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया, स्कूलों कॉलेजों का जाल, अस्पतालों का जाल बिछाना, कोई कारपेंटर बाहर नहीं जाता था, कोई मेसन बाहर नहीं जाता था, कोई ठेकेदार मेट नहीं जाता था, कोई मजदूर नहीं जाता था, आते थे दूसरे से। लेकिन तब मालूम हुआ, क्योंकि जब मैं स्टेटों से राबता करने लगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी, सीपीएम की सरकार थी, किसी इलाकाई पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा हुजूर आपके स्टेट के भी यहां कहीं उनको खाना दिलवाया, कहीं उनको राशन दिलवाया। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि जो हमारी 35-36 स्टेटें हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें तकरीबन 35 में से 30-32 का मैं हमारे लोग यहां मजदूरी करने के लिए जाऊं। ये हाल है, तो भिखारी बना दिया स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना के।
और जो छोटी छोटी हमारी, मैं पार्लियामेंट में कई दफा कह चुका हूं, आपको भी कह चुका हूं, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे कम जमीन है खेती के लिए वो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमारा 80-90% रकबा है वो या पहाड़ है या जंगलात या दरिया है। 10-15% में हमारे मकानात भी हैं, दफातर भी हैं, स्कूल कॉलेज भी हैं, इंडस्ट्रियां भी हैं, सड़कें भी हैं। सड़कें बहुत जरूरी हैं, लेकिन अभी जो हम सब सरकारों ने किया, लोगों के लिए किया, पूरे मुल्क में 2 लेन 4 लेन 6 लेन 8 लेन उसमें हजारों एकड़ जमीन चली जाती। इस जितनी बड़ी सिटी हमारी सड़कें बनती हैं, उतने ही हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बेजमीन हर साल हो जाते हैं, लेकिन बाकी रियासतों में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहां हमारी स्टेट में बेजमीन पहले ही से है, अब सिर्फ घर उठा के सड़कें बनाई जा रही हैं। तो हम हर साल हजारों लोगों को बेघर और बेजमीन बना देते हैं, इसलिए ये वाजिब है। हमारी सरकार ने 2006 में जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वजीर आजम थे, मैं उसमें वजीर थी, हमने एक कानून लाया था पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जंगलों में जितने भी लोग हैं, जंगलात में, पूरे हिंदुस्तान में शेड्यूल ट्राइब के लोग, हमारे तो यहां शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल है, लेकिन हिंदुस्तान में शेड्यूल ट्राइब कोई मुसलमान नहीं है, हमारे हिंदू भाई हैं जिनकी तादाद तकरीबन 10% है पूरे हिंदुस्तान। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 2006 में हमने कानून बनाया कि जो भी लोग जंगलात में हैं वो खेती भी कर सकते हैं, घास चराई में खेती कर सकते हैं, जंगलात में खेती कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, उनको पूरा हक है। लेकिन वही आज गुज़िश्ता 2006 से वो कानून पूरे हिंदुस्तान में, और यूटी बनने के बाद वो ऑटोमेटिकली लागू जम्मू कश्मीर में हुआ, लेकिन यहां से तमाम शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जंगलात से निकाल दिया, बेदखल किया उनकी जमीन और जायदाद से। आज मैं अभी कल ही एक डेलीगेशन मुझे मिला कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, उनके जो 1947 में जमीन मिली थी बॉर्डर पे, सब मेरे हिंदू भाई, शायद एक आध गुजर हुनर होगा, वो 1947 की जमीन भी छीन ली, अभी छीन ली। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी दुश्मनी ये सरकार निकाल रही है। गरीब बेघर हो गए, इतनी बेकारी और बेरोजगारी कभी भी ही हमारी रियासत में नहीं हुई। सदी कठुआ सामा जम्मू की बंद हो गई, तजारत आज देखिए सिटी चौक में क्या है, आपके डोडा में क्या है, गांवों में क्या है, हर हा अभी हड़ताल पे है, बिजली नहीं है क्यों 18 साल से। मेरे वक्त में जब रहबर जरात तुम्हारे पास आए कि हम 2 साल या 4 साल से नहीं हुए, हमने दूसरे दिन ही उन सबको लगा दिया जितने भी आए। आज रहबर खेत हजारों की तादाद में पड़े हैं,
बिजली 18 साल से उनको पक्का नहीं किया, 3,000-4,000 पे कैसे गुजारा होगा। एक तरफ से तनख्वाह उतनी की उतनी है, पीएचई के लोग हैं, एसपीओ का तो थोड़ा बढ़ गया था लेकिन जितना वादा किया था उतना नहीं बना। तो सवाल यह है, तनख्वाह में एक रुपया नहीं बढ़ रहा लेकिन चूल्हे का गैस 400 से 1200 होता है, पेट्रोल डीजल 60 रुपए से 100 रुपए हो जाता है, दालें बढ़ जाती है, कपड़ा के दाम बढ़ जाते हैं, गोश्त के दाम 350 से 650 हो जाते हैं, तो ये आदमी खाएंगे क्या? घर इनसे छीन ले हो, जमीन से छीन ले हो, नौकरी इनसे छीन रहे हो, एडहॉक अपॉइंट में थे उनको निकाल दिया, तनख्वाहें बड़ी बढ़ा नहीं रहे हो, टेंडर कर रहे हो बाहर के लोगों के लिए 5,500, जम्मू शहर में शराब की दुकानें 250, यही के हमारे भाई थे, 99% उसमें मेरे हिंदू भाई थे, कुछ सिख भाई थे। नई पॉलिसी बनाई के बाहर के लोग आए और प्राणों में से 230 बाहर के चले गए और ये 60-70 साल से उनके परिवार चले। यहां हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे बताया गया था यूटी बनाते वक्त बाहर के लोग आएंगे, बाहर का लोग नहीं आया। हमारी यहां खदानें थी, कश्मीर के अंदर खदानें थी, जम्मू के अंदर खदानें थी, रेत थी, बजरा था, वो हमारे लोकल ठेकेदार लेते थे जम्मू के आसपास के, कठुआ के, उधमपुर के, शायद इधर चिनाब वैली में भी, और मजदूरों को मजदूरी मिलती थी। कल आरएसपुरा का डेलीगेशन मिला कि हमारे यहां जम्मू में 1,00,000 ट्रैक्टर है जो ये काम करता था यहां के जम्मू के ठेकेदार, उनको जब सरकार उनको देती थी रेत निकालने दरिया से, तो ये 1,00,000 जो हमारे ये ट्रैक्टर वाले हैं, ये ट्रैक्टर वालों को रोजगार मिलता था, लेकिन इस स्टेट ने ई टेंडर कर दिया, अब सब के सब बाहर के आ गए, पंजाब हरियाणा के आए, तो यहां के ठेकेदार भी घर बैठ गए, 1,00,000 ट्रैक्टर चलाने वाले भी बैठ गए। तो ये स्टेट को बेचने का काम, स्टेट के रिसोर्सेज को बेचने का काम, स्टेट के पहाड़ों को बेचने का काम, स्टेट की खदानों को बेचने का काम, स्टेट की रेत को बेचने का काम, स्टेट की बजरी को बेचने का काम, ये आज यहां इस रियासत में हो रहा है। इसकी इजाजत हम लोग नहीं दें किसी सूरत में। आज तक यहां 75 साल हुकूमत रही, हमने कभी किसी से नहीं पूछा ये सड़क का ठेकेदार किस धर्म का और किस पार्टी का है, हमने कभी ये नहीं पूछा ये इरिगेशन का प्रोजेक्ट कौन से धर्म का और कौन सी पार्टी का ठेकेदार है, मेरे मजदूर कौन, ये कभी नहीं पूछा था। बल्कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मैंने सोपर के अंदर पहली मीटिंग की और सोपर में कहकर जानबूझ पे की, उसके बाद हर मीटिंग में मैंने कहा हिंदुस्तान रियासत कि मेरी काबीना में अगर कोई मंत्री मजहब की बुनियाद पर, जात की उन्हीं बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर अगर इंसाफ बांटेगा तो मेरी काबीना में उसके लिए कोई जगह नहीं। ये बैठे हैं 3 वजीर, कभी इनसे पूछे हमने कहा कि रहमान को काम देना, श्यामलाल को नहीं देना, इनको कुरान इनके सर पे रखिए, कभी मैंने कहा हो
कि कांग्रेसी को देना, बीजेपी वाले को नहीं देना, या एनसी वाले को नहीं देना, किसी ऑफिसर को। मुझे एक ऑफिसर कहे, एक एमएलए कहे, एक मिनिस्टर कहे कि हमने कभी ये बताया होगा कि एक ही धर्म के या एक ही पार्टी के लोगों को काम दे रहा। जब हम हुकुमरान होते हैं तो अल्लाह के हुक्म को हम बजा करते हैं। अल्लाह के हाथ में, अल्लाह को कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, कोई खुदा कहे, कोई गॉड कहे, वो दुनिया की हुकूमत करता है, चांद सितारों की हुकूमत करता है, मछलियों जानवरों पर हुकूमत करता है, सबका हिसाब लेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जब से ये दुनिया बनी है, वहां तो वो कयामत के दिन इंसाफ लेगा, या दोज़ख में डालेगा या जन्नत में डालेगा, लेकिन कयामत आने तक उसने हुकूमत बादशाहों के हाथों में दी, महाराजों के हाथ में दी, प्राइम मिनिस्टरों के हाथ में दी, एमएलए एमपीओ के हाथ में दी, अब डीडीसी बीडीसी के हाथ में दी, डीसी एसपी चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी के हाथ में दी, एसएचओ के हाथ में दी, इंजीनियर के हाथ में दी, कि यहां तुम्हारा हिसाब किताब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन मेरी गैरहाजिरी में लोगों के साथ इंसाफ तुम्हारा काम है। लेकिन वो आज नहीं हो रही। आज एक पार्टी के ऑफिस से जब तक चिट्ठी नहीं जाएगी तो उसे सड़क का काम नहीं मिलेगा, उसे रोड का काम नहीं मिलेगा, उसे एडहॉक अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी, उसे खाने पीने की चीजें भी नहीं मिलेगी। ये इतनी इंसान दुश्मन तरीका मैंने जिंदगी में नहीं देखा है और न सुना। और हमारी ये स्टेट एक गंगा जमनी तहजीब की मिसाल। यहां हम हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं, हमेशा रहते थे, रहना है और हमेशा रहेंगे। कोई भी नफरत को आपने दिल में और दिमाग में पलने मत दीजिए। अगर इंसान है और इंसान की औलाद है और अल्लाह और भगवान को मानते हैं, कुरान और गीता पर अगर भरोसा है, विश्वास है, चाहे सरकार कुछ भी करे, लेकिन आप आपस में कोई नफरत कोई अदावत आपस में नहीं रखा। इंसान को इंसान की तरह अल्लाह ने हमको इंसान बनाया है और मरने के बाद इंसान की ही शक्ल में जाएगा। ये हिंदू और मुसलमान की नफरत यही छूट जाएगी। चंद दिनों के मेहमान हैं हम, अरबों साल की जिंदगी है इसमें, ये 10 20 40 50 60 70 साल तो एक लम्हे हैं। इन लम्हों में आप अपना वक्त नफरत में मत गुजारिए, एक दूसरे को गाली गलोच में मत गुजारिए, प्यार से और मोहब्बत से गुजारिए। और आपका इंसाफ कौन दे सकता है? अगर वो इंसाफ हिंदू है उसके साथ जाइए, इंसाफ अगर वो इंसान मुसलमान है या सिख है ईसाई उसके साथ जाइए। इंसान को इंसान के नाम पे परखिए, उसे मजहब की बुनियाद में एक तराजू में मत तोलिए, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप सब इलेक्शनों में अलग अलग झंडे सबके हैं, मेरा कोई एजेंडा नहीं। किसी का हिंदू धर्म का एजेंडा है, किसी का इस्लाम का झंडा है, किसी का लाल झंडा है, किसी का नीला झंडा है, किसी का पीला झंडा है, मेरा झंडा एक ही है भाई, इंसान को डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट काम, अस्पताल, स्कूल, बिल्डिंग, नौकरी, खाना। अब मैंने जब देखा बारिश में जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी तो इसी चिनाब वैली का मैंने दौरा लगा तो 6 महीने का राशन रोक दिया। तो इसलिए एक सब फिर बढ़ा दिया, पहले 6 महीने का किया। तो मैंने तो ये नहीं पूछा कि मुसलमान को देना कांग्रेसी को देना,
जो मैंने कहा कि इंसाफ को देना है, जो भी जम्मू कश्मीर का हमारा है। इसलिए मेरे पीछे मेरा तो एक ही एजेंडा है, इंसान अल्लाह का बनाया हुआ है, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सिख है ईसाई है, वो कांग्रेसी है एनसी है बीजेपी है, वो आरएसएस है जमात इस्लामी, जो बला भी है वो है इंसान है, अल्लाह ने बनाया है और उनकी खिदमत करना हमारा काम है, उनको इंसाफ देना, उनको रोटी देना, उनको रोजगार देना, उनको नौकरी देना, उनको सड़क देना, उनको स्कूल देना, उनको अस्पताल देना, उनको बिजली देना, ये हमारा फर्ज है। अल्लाह ने इसी के लिए हमें बनाया है, न कि नफरत फैलाने के लिए। यही मेरा हमेशा हमारे बीडीसी वालों की भी परेशानियां हैं, बिजली की तो पहले ही बताई, इन तमाम चीजों के लिए हम जद्दोजहद जारी रखेंगे और मुझे सभी पार्टीज का और सभी धर्मों का पूरा पूरा सहयोग होना चाहिए इस इनकलाब को लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।